ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में राजीव गांधी पर दिए बयान से जुड़े सवाल पर कहा, मैंने तो महज एक फैक्ट की चर्चा की जानकारी दी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर इसके कारण कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब कांग्रेस अध्यक्ष एक मौजूदा पीएम को गाली देते हैं, उनके परिवार और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, तब तो कांग्रेस का यही इकोसिस्टम ताली बजाना शुरू कर देता है। मैं कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम को चुनौती देता हूँ कि वो दिल्ली में राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोई भी सेक्सी दुर्गा जैसी फिल्म बना सकता है, लेकिन किसी में भी पैगंबर मोहम्मद या फातिमा पर फिल्म बनाने का साहस नहीं है। गिरिराज सिंह दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी रमेश विधूड़ी के लिए जनसभा करने पहुँचे थे। भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। आपको बता दें, बेगूसराय लोकसभा सीट पर गिरिराज सिंह का मुकाबला भाकपा के कन्हैया कुमार से है। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने कल ट्वीट के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्रियंका जी, आज आपने अहंकार की बात की, मैं आपको याद दिला दूं कि अहंकार की पराकाष्ठा तो उस दिन हुई थी जिस दिन राहुल जी ने अपने ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी किया अध्यादेश फाड़ दिया था। कौन किसको सुना रहा है? दूसरे ट्वीट में ममता बनर्जी को जवाब दिया और लिखा, ममता जी, आज आपने सारी हदें पार कर दी। आप प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कल आपको उन्हीं से बात करनी है, इसलिए बशीर बद्र का एक शेर याद दिला रही हूँ, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। चौकीदार चोर है को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जोड़कर बोलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। राहुल ने तीन पन्नों के नए हलफनामे के जरिए माफी मांगी है। हलफनामे में कहा गया है कि उन्होंने गलती से पार्टी का राजनीतिक नारा कोर्ट के आदेश के साथ मिलाकर बोल दिया था। इससे पहले के हलफनामे में राहुल ने गलती के लिए सिर्फ खेद जताया था। आपको बता दें, शुक्रवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 12 मई को वोटिंग होनी है और इससे पहले सभी पार्टियां जनसभा और रैली कर वोटरों को रिझाने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश सिंह वर्मा के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल को धरना प्रदर्शन का नेता कहते हुए योगी ने कहा, जब कोई नहीं सुधरता तो उसे लतखोर कहा जाता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से जवाब देता है और दिल्ली में वैसी हालत है। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। 72 घंटे के बैन में उन पर चुनावी प्रचार, मीडिया से बातचीत करने की मनाही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि पाबंदी के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने ना तो चुनाव प्रचार किया और ना ही कोई रोड शो किया। कांग्रेस ने इस मामले पर शिकायत की। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। आज उन्होंने वाराणसी में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उनकी तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से कर दी। कांग्रेसी नेता ने कहा, मैंने पीएम की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से इसलिए की क्योंकि बनारस के गलियारे के नाम पर सैकड़ों मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। राजस्थान के अलवर में थाना गाजी पुलिस थाना इलाके में 26 अप्रैल को एक महिला के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप किया गया। घटना को लेकर 10 दिन बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कल आरोपियों को पकड़ने के लिए 14 टीमों को लगाया। इसमें शामिल 5 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। पीड़ित पति पत्नी ने 2 मई को FIR दर्ज कराई थी। आपको बता दें, आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। आरोपियों के नाम अशोक गुज्जर, मुकेश गुज्जर और इंद्रराज गुज्जर हैं। माना जा रहा है इन सभी आरोपियों का इलाके में काफी रसूख है, जिस वजह से पुलिस ने कार्यवाही करने में इतने दिन लगा दिए। चुनाव के परिणामों को लेकर आयोग ने एक बड़ा बयान दिया है। आयोग ने बताया कि इस बार मतदान के जो नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे उनमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। इसकी बड़ी वजह EVM के वोटों से VVPAT का मिलान किया जाना है,
जिसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। इस बार नतीजे 4-5 घंटे देरी से आ सकते हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन रद्द होने के खिलाफ बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने आयोग से पूछा, तेज बहादुर का नॉमिनेशन क्यों रद्द किया गया? इसका जवाब देने के लिए आयोग को कल तक का टाइम दिया गया है। कोर्ट कल फिर इस मामले में सुनवाई करेगी। पाकिस्तान के लाहौर में आज सुबह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दाता दरबार के बाहर एक विस्फोट हुआ, जिसमें 8 लोग मारे गए और 24 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 5 सुरक्षा कर्मी भी थे। बताया जा रहा है ये एक फिदायीन हमला था। पुलिस की माने तो ये हमला पंजाब पुलिस की गाड़ी को टारगेट कर किया गया था। विस्फोट सुबह करीब 9:45 गेट नंबर 2 के बाहर हुआ, जहां सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी तैनात थे। आतंक का सरगना बन चुके पाकिस्तान से इस बार एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में 90 से ज्यादा लोगों को जानबूझकर HIV पॉजिटिव किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रहमान ने बताया कि 90 से ज्यादा लोग और करीब 65 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पीछे डॉक्टर मुजफ्फर घंगरू का हाथ है, उसे गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है डॉक्टर ने अप्रैल से सर्दी जुकाम दस्त के इलाज के दौरान जानबूझकर HIV फैलाया। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद असलम के अनुसार सिंगाही थाना के उमरा गांव में खाना बनाते समय भीषण आग लगी, जिसमें 2 घर जलकर राख हो गए और घर का सारा सामान भी जल गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान दमकल की गाड़ी वाहन नहीं पहुंची। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो उनके वेकेशन का है। इसमें मौनी ने व्हाइट कलर की बिकनी पहनी है। मौनी ने पूल के अंदर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गर्मी को एंजॉय करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। मौनी के इस वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आपको बता दें, मौनी के इंस्टाग्राम पर 7.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 News TV। नमस्कार।